नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। छतरपुर पुलिस के नशा विरुद्ध अभियान के तहत चौकी गोबारा थाना भगवा पुलिस की कार्यवाही। चौकी गोबारा पुलिस ने 42 पेटी 378 लीटर अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन जब्त कर तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन ने आदर्श आचार संहिता एवं शांतिपूर्ण सुरक्षित परिवेश हेतु समस्त थाना प्रभारी को नशाखोरों एवं अवैध रूप से नशा विक्रय करने वाले विक्रेताओं तस्करों के विरुद्ध सख्त एक्शन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। छतरपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत नशा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में चौकी गोबारा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो वाहन में अवैध शराब विक्रय करने हेतु शाहगढ़ से टीकमगढ़ तरफ जा रही है। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी गोबारा प्रमोद रोहित द्वारा टीम बनाकर उक्त गाड़ी की घेराबंदी की एवं आरोपी को घेराबंदी कर मैं अवैध शराब के पकड़ा। बोलेरो वाहन में अवैध 42 पेटी देसी मदिरा प्लेन शराब कुल मात्रा 378 लीटर कीमती करीबन 1,36,500 रुपए की पाई गई है, जिसे मौके से मैं बोलेरो वाहन के आरोपी महेंद्र लोधी निवासी टीकमगढ़ ने जब्त किया। अवैध शराब तस्कर को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अवैध शराब के परिवहन एवं अन्य तथ्य पर विवेचना जारी है। उक्त कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका उप निरीक्षक प्रमोद रोहित, चौकी प्रभारी गोबारा धनीराम तिवारी, रूपाराम पटेरिया, राम प्रकाश आर, वीरेंद्र सिंह आर, राजेश आर, देव कुमार आर, सत्येंद्र सिंह आर, रूपेश सोनी, गजेंद्र सिंह राठौर, मध्य प्रदेश हेड, खबर यूपी तक की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क।